देश इस साल अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुकी या मेताई समूह द्वारा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। साथ ही एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन और तिरंगा फहराने के दौरान कुछ सरकार विरोधी तत्वों द्वारा झंडे, तख्तियां दिखाने और नारे लगाने की संभावना भी जताई है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में दिल्ली में खुफिया एजेंसियों द्वारा विशेष सुरक्षा समूह यानी के एसपीजी, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के साथ स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा तैयारियों को साझा करने के लिए आयोजित एक बैठक में संभावित खतरों पर चर्चा की गई। एक अधिकारी ने कहा, सितंबर में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है जिसमें एक महीने से भी कम का समय है। ऐसे में समारोह से पहले या उसके दौरान कोई भी घटना देश की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे की जानकारी साझा करते हुए उन्हें विरोध प्रदर्शनों पर हर अपडेट देने के लिए कहा है। भीड़ और आंदोलन पर नजर रखने के लिए पड़ोसी राज्य की पुलिस का भी सहयोग मांगा गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सोशल मीडिया के बारे में भी चेतावनी दी है जिसका इस्तेमाल कट्टरपंथी धमकियां देने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर 2 समुदाय एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए हैं। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर लोग बेबस हैं। संसद में भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से मणिपुर में हो रही हिंसा का जवाब मांग रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।